ऋषभ मिश्रा। ये मोमोज के लिए एक ट्रक है, सिंथोल का साबुन। हाय गाइस, आज मैं आपको लेके जाऊंगा बे एरिया के मिनी इंडिया में। काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ, इंडियन रेस्टोरेंट्स, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हो। हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी सनीवेल में, जो सैन फ्रांसिस्को से लगभग 40 माइल्स दूर है, एक घंटे की ड्राइव है। और यहाँ पे जो पहला स्पॉट है जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, वो है इंडियन फूड ट्रक। यहाँ पे 5 इंडियन फूड ट्रक्स हैं, तो मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। तो गाइस, जो पहला फूड ट्रक है वो है पाव भाजी फूड ट्रक। जो दूसरा फूड ट्रक है वो है फ्रेश इंडियन फूड। वहाँ पे यूजुअली जब मेरे को छोले कुलचे खाने का मन होता है तब मैं वहाँ पे जाता हूँ। ये तीसरा है फीस्ट इंडिया कंपनी। ये मोमोज के लिए एक ट्रक है, दिस इज़ नॉट इंडियन, एल टाको डे। ये मैक्सिकन फूड ट्रक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 इंडियन फूड ट्रक्स हैं। कि मैं पाव भाजी ट्रक, क्योंकि मेरा फेवरेट है, यहाँ से मैं एक पाव भाजी ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं सेकंड स्पॉट पे जाऊँगा एक पाव भाजी एक एक्स्ट्रा पाव के साथ। फॉर हेयर, राइट? फॉर हेयर। ऋषभ मिश्रा। ओके सर, योर ऑर्डर डैडी। गाइस, पाव भाजी आ चुकी है। अब जो आज का सेकंड स्पॉट होने वाला है वो है यहाँ मद्रास कैफे रेस्टोरेंट। बहुत ही फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और वहाँ पर भी एकदम सेम इंडिया वाली फीलिंग आती है। तो मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट मद्रास कैफे पर। हाय गाइस, मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ मद्रास कैफे पे, जो आज का दूसरा स्पॉट है। ये भी सनीवेल में ही है, और ये बहुत ही फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ बे एरिया में। तो मैं अंदर जाता हूँ, कुछ ऑर्डर करता हूँ, और आपको थोड़े शॉर्ट्स भी दिखाता हूँ। Can I have a masala dosa and 2 chais please? Anything else? That would be all. Thank you. ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इतने इंडियंस क्यों रहते हैं। तो जो ये एरिया है सिलिकॉन वैली के अंडर में आता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का ऑफिस है, और जहाँ पे टेक कंपनीज है वहाँ इंडियंस तो होंगे ही, और जहाँ इंडियंस होंगे फिर वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स होना बनता है। तो यहाँ पे बहुत इंडियन पॉपुलेशन है। और मैं आपको एक बहुत ही फनी किस्सा बताता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ से ड्राइव करके जा रहा था, बीच में रास्ते में गैस स्टेशन था, और मेरे टायर की जो गाड़ी के टायर की हवा थोड़ी कम हो गई थी, तो मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे एक कोई तो साफ़ सफाई कर रहा था वहाँ पे, जो स्टोर होता है गैस स्टेशन के बाहर। मैंने मतलब ये सोचा ही नहीं कि वो इंडियन है नहीं है, मैंने डायरेक्ट हिंदी में बोला, भैया हवा भरने आती है टायर में? और वहाँ से रिप्लाई आया हाँ। तो मतलब यहाँ पे इस लेवल पे मतलब इतने इंडियंस रहते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे क्योंकि इतने इंडियंस हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सही ऑथेंटिक इंडियन खाना मिल जाता है। लगता ही नहीं है कि आप इंडिया के बाहर कहीं खाना खा रहे हो। और ये पर्सनली मतलब मैं फील करता हूँ जब मैं सैन फ्रांसिस्को में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, और जब यहाँ आता हूँ तो डिफरेंस पता चलता है। तो इंडियन फूड के लिए ये जो साउथ में वाला एरिया है, ये मेरा फेवरेट है। ऑलराइट गाइस, खाना आ चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई के लिए आया है वड़ा सांभर, और ये मेरे लिए मसाला डोसा। गाइस, खाना हो चुका है, अब जाने की तैयारी है तीसरे स्पॉट पे। गाइस, मैं तीसरे स्पॉट पे आ चुका हूँ, अपना बाज़ार, जो कि एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है। ये 24 घंटे खुलता है, और यहाँ पर 24 घंटे फ्री चाय मिलती है। उससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ स्टोर में, मैं आपको थोड़ा बाहर दिखा देता हूँ कि क्यों ये बहुत ही इंडियन एरिया है। यहाँ पे नितिन ज्वेलर्स की एक दुकान है, यह इंडियन ग्रॉसरी स्टोर अपना बाजार। ये एक इंडियन चेटीनाड क्विजीन रेस्टोरेंट है, अप्पा कढ़ाई। और गाइस, जो मैंने आपको नितिन ज्वेलर्स की दुकान दिखाई थी, उसके साइड में मैं आपको ब्यूटी सलून नहीं दिखा पाया था। तो ये एक पायल ब्राउ आर्क ब्यूटी सलून भी है यहाँ पे। मैं अंदर जाता हूँ, परमिशन लेता हूँ पहले तो उनसे कि मैं अंदर रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, फिर आपको अंदर का दिखाता हूँ कि कैसा है ये इंडियन ग्रॉसरी स्टोर, और वहाँ पे मैं एक फ्री चाय भी लूँगा। ऑलराइट गाइस, मेरे को परमिशन मिल गई अंदर आने की। मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो यह है पूरा सब्जियों का एरिया, ये सेक्शन है नमकीन वगैरह स्नैक्स हो गए, और हर वो चीज़ मिलती है यहाँ पे जो आपको इंडिया में मिलेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड एंड सीक बिस्किट। और गाइस, देखिए मुझे क्या मिला,
कुरकुरे। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आप इसको बस एक बहुत बड़ी परचून की दुकान समझ सकते हो। ये बर्तन वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पे, मिठाई मिल रही है, और ये एक इनका रेस्टोरेंट है छोटा सा। हिमालय के फेस वॉश, सिंथोल का साबुन, वाटिका का तेल। तो गाइस यहाँ हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी, छोटी से छोटी चीज़ से लेके कोई अगर आपको बड़ी चीज़ चाहिए। कुछ कुछ तो ब्रांड्स थे जैसे सिंथोल वगैरह जो मैं भूल चुका था, वो सब भी आपको यहाँ मिल जाएगा। गाइस यहाँ 24 घंटे चाय मिलती है फ्री में, बट अभी ख़त्म हो चुकी है, मैंने पूछा उनसे काउंटर पे। यही थे वो स्पॉट्स जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक जो छोटा सा इंडिया है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। तो ये जो एरिया मैंने आपको पहले बताया था सनीवेल है, यहाँ पे बहुत इंडियन पॉपुलेशन है। तो आज हम लोगों ने 3 स्पॉट्स कवर किया। सबसे पहले मैं आपको लेके गया इंडियन फूड ट्रक्स के वहाँ पे, जहाँ पे मैंने पाव भाजी ऑर्डर की थी। फिर उसके बाद मैं गया मद्रास कैफ़े, जहाँ पे मैंने डोसा खाया था। और उसके बाद ये तीसरा स्पॉट था अपना बाजार, जो कि एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है जो 24 घंटे खुलता है और यहाँ फ्री चाय भी मिलती है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सो। दोनों जगह मेरा यूजर नेम है ऋषभ मिश्रा व्लॉग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में।